खबर अब प्रयागराज से है, जहां चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हटाया है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प की तस्वीरें सामने आई है। यूपी पीएससी मुख्यालय के सामने ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले की है। किस तरीके से बड़ी संख्या में जो तमाम छात्र हैं वो पुलिस के बैरिकेड्स को लांग कर जो आयोग का मुख्यालय है उसके ठीक सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचते हुए नजर आए। दरअसल छात्रों की तरफ से ये आरोप आज सुबह लगाया गया कि जो कैंपस है जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्य गेट के ठीक बाहर, ये तमाम छात्र वहां तक और उनके साथियों को पहुंचने से रोका जा रहा है और उससे दूर बैरिकेटिंग जो है वो कर दी गई है और बड़ी संख्या में वहीं पर छात्रों को जो है वो रोक दिया गया है। तो वहीं सुबह छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो पहुंचती है प्रदर्शन स्थल पर और कई छात्रों को वहां से डिटेन करती है, जबरन उठाने की कोशिश करती है और इसके बाद ये जो पूरा मामला है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आया और बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम जो है वो यूपी पीएससी के मुख्यालय के बाहर एकत्रित था और इसके बाद यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आई जिसमें झड़प भी जो है वो नज़र आया। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है ऐसे में आपको बता दूं कि लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि अपनी मांगों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो एग्ज़ाम है वो दो शिफ्ट में न कराने की मांग की जा रही है और दो दिन न कराने की मांग की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो कराए जाएं और ऐसे में आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो तमाम छात्र हैं वो बीते चार दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक इस प्रदर्शन की गूंज जो है वो नज़र आती है। सड़कों पर छात्र जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और कल जिस तरीके से रात में तस्वीरें आईं बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम इकट्ठा हुआ, प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, नारेबाजी जो है वो चलती रही, लेकिन इन सब के बीच अब जब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे में सरकार की तरफ से जो बातचीत की कोशिशें हैं वो नाकाम नज़र आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया केशव प्रसाद मौर्य की एक डेलीगेशन जो है वो छात्रों की तरफ से बनाया जाए। डीएम जब पहुँचे उन्होंने भी छात्रों से बातचीत के दौरान ये कहा कि आप एक डेलीगेशन बनाकर हमसे बातचीत करने के लिए आइए, हम हर समस्या का समाधान निकालने को तैयार हैं, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी है ऐसे में चौथे दिन भी छात्रों की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आप तक पहुँचा भी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के PCS प्री और RO AR O की परीक्षा को दो दिन में संपन्न कराने के निर्णय के विरोध में छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। लोक सेवा आयोग के सामने चल रहे इस प्रदर्शन में पिछले तीन दिनों के मुकाबले अब से कुछ देर पहले जो तस्वीरें आई उसमें बड़ी संख्या में छात्र जो है वो नजर आए। इस बीच आज सुबह धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। PCS और RO AR O परीक्षा को एक दिन में कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठी एक छात्रा ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों को जबरन घसीटते हुए ले गए। इससे पहले बुधवार शाम को भी पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया था। ये सभी कोचिंग की लाइब्रेरी को जबरन बंद करवा रहे थे। एक तरफ पुलिस का एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में छात्र अभी भी धरना दे रहे हैं। पुलिस सभी 11 लोगों को शांति भंग करने की धाराओं में चालान कर रही है। चालान के बाद ACP कोर्ट से जमानत पर सभी को रिहा कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS प्रीलिम्स 2024 और RO AR O प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को दो दिन में दो शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय का अभ्यर्थी पहले से विरोध कर रहे थे। प्रतिभागी तमाम जो छात्र हैं वो UPPCS 2024 और RO AR O 2023 की प्रारंभिक परीक्षाओं को पहले की तरह एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि दो दिन की परीक्षा कराए जाने पर होने वाले नॉर्मलाइजेशन से उनका नुकसान होगा। 11 नवंबर को फिर से इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। ये वन डे वन एग्जाम की मांग पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी, अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ प्रयागराज।